नमस्कार दोस्तों, मैटर इन आवर सराउंडिंग का ये चौथा पार्ट है और इस वाले पार्ट में हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ टेम्परेचर के कौन कौन से यूनिट होते हैं वो भी देखेंगे और उसके साथ साथ इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, टेम्परेचर के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का डिफिनेशन की अगर बात करें तो टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी मैटर का डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितनी वो गर्म है या कितनी वो ठंडी है, इसका जो मेजरमेंट हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन होगा। अगर कहीं डेफिनेशन लिखने का आ जाएगा तो टेम्परेचर इज ए मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरह के समझे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग कह रहे हैं कि ये गर्म है, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट कह रहे हैं कि ये ठंडा, तो कितना ठंडा है कितना गर्म है। अगर हम हाथ मेरा, अगर हम लोग कहीं पे भी हाथ अगर रखें वो गर्म पानी है, ठीक है, तो उससे अगर हम लोग फिर ठंडे पानी में हाथ डालते हैं, ठीक है, तो जो हाथ डाले तो वहां पे हम लोग को लगेगा कि वहां पे पानी जो था वो एज कंपेरिजन टू गर्म पानी वो ठंडा है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम लोग आइसी वाटर में अगर हम लोग हाथ डाल लेते हैं, आइस में हाथ छू लेते हैं, तो वो लगेगा पिछले वाला भी गर्म था उससे ज्यादा ठंडा है। ठीक है, तो ये जो हॉटनेस कोल्डनेस है, ठीक है, इसको जो नापने का जो तरीका है, ठीक है, इसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, इसको नापा किससे जाता है, तो इसको नापा जाता है थर्मोमीटर से। ठीक है, आप लोग जो अगर कहीं तबीयत खराब होगा, बुखार लगता है, तो डॉक्टर्स मुंह में लगाते हैं थर्मोमीटर, तो उसी को थर्मोमीटर कहते हैं। वो वेरियस साइज का आता है और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर यूज होता है। मेडिकल यूज के लिए वो वाला यूज होता है और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को, तो ये हो गया टेम्परेचर, हम लोग नापे हैं किससे, किस डिवाइस से, तो वो डिवाइस का नाम हो गया थर्मोमीटर। टेम्परेचर का डेफिनेशन में हम लोग समझ रहे हैं। अब टेम्परेचर को नापेंगे कैसे, किस किस यूनिट में इसको हम लोग नापने वाले हैं, तो मेनली टेम्परेचर को तीन यूनिट में नापा जाता है। ठीक है, केल्विन, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस बुक में, इस बार 9th क्लास में हम लोग को केल्विन और डिग्री सेल्सियस को पढ़ना है, फारेनहाइट को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो केल्विन जो है पहला यूनिट, जो केल्विन, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है, सब जगह केल्विन यूज होता है। ये ऐसा प्रॉपर स्केल है कि इसमें आप मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर को आप इसमें नाप सकते हैं। ओके, दूसरा बात आता है डिग्री फारेनहाइट। डिग्री फारेनहाइट मेनली मेडिकल यूज के लिए, बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए, और ये FPS यूनिट है, फुट पाउंड सेकंड, जो मीट्रिक सिस्टम होता है नापने का, उस आधार पे इसको डिग्री फारेनहाइट रखा गया। असल में बात यह है कि जब टेम्परेचर का मेजरमेंट का जब डिस्कवरी हो रही थी 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, इस सब में आसपास में, तो अलग अलग देश में अलग अलग डिस्कवरी हो रही थी। तो वहां पे जिस देश में जैसा डिस्कवरी हुई, जैसा उन लोग वहां के साइंटिस्ट ने बनाया, उस हिसाब से अपना अपना स्केल बना दिया। इसी कारण दो तीन स्केल देखने को मिलता है। स्केल मतलब कि यहाँ पे नापने का जो तरीका वो अलग अलग दिखते हैं और यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ रहा है। ओके, तो फारेनहाइट हम लोग मेनली बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर में आप लोगों ने सुना होगा कि 100 डिग्री उसका बुखार है, तो 100 डिग्री क्या होता है, 100 डिग्री फारेनहाइट होता है। ओके, उसी तरह से केल्विन का है, तो सन का टेम्परेचर हम लोग नापना है, तो 6000 केल्विन में वो हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो बहुत लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, या फिर मिनिमम बहुत कम लो टेम्परेचर पर नापना है, तो वो हम लोग केल्विन। अब आता है डिग्री सेल्सियस, तीसरा यूनिट। डिग्री सेल्सियस कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है ये हम लोग वेदर नापने के लिए। केल्विन में कोई वेदर नहीं नापता, फारेनहाइट में जनरली फॉरेन में नापा जाता है, यूएस और यूके में नापा जाता है। लेकिन इंडिया के अगर हम लोग बात करें तो डिग्री सेल्सियस में वेदर का टेम्परेचर नापा जाता है। जैसे आज का कितना, 40 डिग्री सेल्सियस आज रहने वाला है टेम्परेचर, ऐसा मौसम का जो न्यूज आता है उसमें बताया जाता है, या फिर आप मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये जो है वो नापा जाता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, ये कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट नापा जाता है। तो और इसका सिंबल भी है, जैसे केल्विन है तो उसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसका डिग्री फारेनहाइट, तो डिग्री, ये सिंबल जो छोटा सा देखना है, ये डिग्री हो गया और एफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया डिग्री फारेनहाइट। कहीं पे भी एफ नहीं लिखना है, एफ लिखने पे एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री का सिंबल जो है ये जरूर से लगाना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री सेल्सियस की, तो इसमें भी डिग्री लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री फारेनहाइट, लेकिन डिग्री केल्विन नहीं होता है। ठीक है, केल्विन होता है, ओनली केल्विन, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे फारेनहाइट को पढ़ना नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। सिर्फ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारे पास
कोई डिग्री सेल्सियस में कोई डाटा दिया हुआ है, इतना डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, या 40 डिग्री केल्विन, 40 केल्विन दिया हुआ है, उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें, तो हम लोग कैसे करेंगे? छोटा सा फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग को केल्विन में वैल्यू निकालना है और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का बात कर रहा हूं मैं, तो सेल्सियस वाले में 273 उसमें हम जोड़ देंगे तो वो जो वैल्यू आ जाएगा वो केल्विन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे वाटर मेल्ट करता है, सॉरी आइस मेल्ट करके वाटर में, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, उसमें 0 पे 273 अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा वैल्यू 273, तो 273 केल्विन पे आइस मेल्ट कर जाता है, ठीक है, या वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन में क्या हो जाएगा, 273 केल्विन, और वही डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस वाले डाटा में 273 ऐड कर देंगे तो हमारा केल्विन का वैल्यू निकल जाएगा। शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन याद करने के लिए K = C + 273, ठीक है। उसी तरह से इसका उल्टा कर देंगे, अगर हमारे पास केल्विन में वैल्यू है, ठीक है, और उसको हम लोग को डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन वाला जो डाटा है, केल्विन में जो टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें से 273 माइनस कर देंगे, इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये C = K - 273 कर देंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में वेयर वैल्यू आ जाए, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स है, इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन दे दिया गया, कन्वर्ट, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन, ठीक है, ये सारे जो वैल्यू दिए हुए, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, -73 डिग्री सेल्सियस, सारे सेल्सियस में वैल्यू दिए हुए, इनको हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही है, अपना फॉर्मूला लगाएंगे K = C + 273, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है, इसमें 273 ऐड करते चल जाएंगे, केल्विन का वैल्यू निकल जाएगा। तो जैसे 100 में 273 ऐड कर दिए, 373 केल्विन हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस का केल्विन वैल्यू कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। उसी तरह 0 पे तो 273 इसमें ऐड करेंगे, 273 केल्विन हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 273 केल्विन। उसी तरह से 500 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ऐड कर देंगे 273, तो ऐड हो जाएगा 773 केल्विन, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर माइनस में अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, -73 दिया हुआ है, तो इसमें 273 ऐड करेंगे, सिंपल प्रोसेस वही रहेगा, तो 273 में से 73 माइनस हो जाएगा, 200 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब कुछ एग्जांपल बना लेते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस केल्विन में दिया हुआ है डाटा और उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारा डाटा आपका जो देख रहे हैं 573 0 273 6000, ये सारा केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें डिग्री सेल्सियस में। अगेन अपना फॉर्मूला लगा देंगे C = K - 273, मतलब केल्विन वाला वैल्यू में से 273 हटाते चलेंगे तो हमारा निकल जाएगा डिग्री सेल्सियस, तो 573 में से 273 घटा देंगे, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 273 जो दिया हुआ है उसमें से 273 घटा देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसी तरह से अगर 0 केल्विन दिया हुआ है उसमें 273 घटा देंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस। उसी 6000 में से 273 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या होता है, तो प्रेशर हो जाता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करें, दबाव अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसको एरिया से, कितने एरिया पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग उस एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वो जो वैल्यू निकल के आता है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर पर यूनिट एरिया मतलब पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसको जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब हम यूनिट ऑफ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल में नापा जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वही एरिया यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स का बाय डिवाइड कर दिया गया पर मीटर स्क्वायर से, एरिया से डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाता है प्रेशर का, पास्कल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर का उपयोग करते हैं, मतलब यूज करते हैं, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर इज नोन एज एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसको अभी नहीं समझ में आया, इसको दूसरे ढंग से मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमारा पूरी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, इसके ऊपर एयर एटमोस्फेयर है, ठीक है, तो पूरे एटमोस्फेयर जितना है, ठीक है, उसका भी तो प्रेशर लगेगा, उसका भी तो दबाव आएगा, वो भी तो अर्थ के सरफेस पे आएगा। आखिर 100 किलोमीटर तक हमारा बोला जाता है कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सब में एयर में आप लोग जानते हैं कि वो भी मैटर होता है,
उसमें भी वेट होता है। अब जो वेट है तो वो लगाएगा ना, उसमें भी तो मास होता है, वो भी तो प्रेशर लगाएगा, और कहाँ पे प्रेशर लगाएगा, पूरे अर्थ के सरफेस पे लगाएगा। तो वो जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे हो जाएगा, तो सबसे मैक्सिमम जो सबसे नीचे है, मतलब कि अमाउंट जितना ज्यादा एयर, जितना ज्यादा एयर रहेगा, पहाड़ के ऊपर चल जाएंगे तो पहाड़ से जो ऊपर की जो एयर है वो कम है बनिस्पत की, अगर हम लोग सी लेवल पे चले जाए, ठीक है, या फिर और कोई गड्ढे में चले जाए, तो वहां से एटमोस्फेयर की टोटल हाइट नापेंगे तो वो ज्यादा, तो जितना ज्यादा एटमोस्फेयर उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सबसे ज्यादा जो एवरेज लेके चला गया वो सी लेवल को लेके चला गया, ठीक है। तो सी लेवल पे जो एटमोस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है, उसको एटमोस्फेयरिक प्रेशर, वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर मान लिया गया, ठीक है, और इसको एटमोस्फेयरिक प्रेशर या एटीएम शॉर्ट में कहते हैं, उसको वन एटमोस्फेयरिक प्रेशर कहते हैं। और ये कितना होता है, ये तो बात हो जाती है ना, कितना होता है अगर हम लोग ऐसा यूनिट पे बात करें, जैसे कि हम लोग टेम्परेचर में कन्वर्सन में देखे थे केल्विन पे, उसी तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिट अगर हम प्रेशर का बना दिए, तो एक पार्टिकुलर एक सिंगल यूनिट तो होना चाहिए ना, कि जिसमें हम लोग कन्वर्ट करके पता कर सके कि इतना होता है, होता है। तो इसका ऐसा यूनिट, प्रेशर का ऐसा यूनिट तो हमारा हो गया हमारा पास्कल। तो ये जो वन एटमोस्फेयर है, मतलब सी लेवल पे पार्टिकुलर एरिया, वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, वहां पे कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे प्रेशर आ जाता है 1.01 या फिर 1 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये इसका वन एटमोस्फेरिक प्रेशर का कितना वैल्यू हो जाता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल इसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अगला वाला पार्ट में इसके आगे का हम लोग पार्ट देखने जा रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट पे आप जंप कर सकते हैं।